सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो अर्थ का हुआ है, उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस दे रखी है कि कैसे हमारी जो अर्थ है उसका ओरिजिन हुआ है, उसमें डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं या हाइपोथेसिस दे रखी हैं। उनमें से कुछ हाइपोथेसिस यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और आपने शायद पढ़ी भी उनकी होगा इसके बारे में। फर्स्ट इज योर नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकेंड इज योर प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस, थर्ड इज योर गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस, फोर्थ इज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ इज योर गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेबुलर थ्योरी के बारे में, ठीक है। सो नेबुलर थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर योर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, और यू कुड से द अर्थ इटसेल्फ। इट वॉज गिवन बाई कैंट इन 1755 एंड इट वॉज मॉडिफाइड बाई लप्लास इन 1796। तो यहाँ पे आपको ये जो नाम है काफी इंपॉर्टेंट है, किस किसने थ्योरीज दे रखी हैं, ये काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि भाई नेबुलर थ्योरी वो दे देगा और उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम आपको ऑप्शंस में दे देगा, जैसे कि कांट एंड लप्लास, या जॉन्स एंड जेफरी, मोल्टन एंड चेम्बरलेन, ठीक है, या एडविन हबल दे देगा, या फ्रेडरिक हॉयल दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि नेबुलर थ्योरी किसने दी थी, कैंट एंड लप्लास ने, राइट। नाउ जो ये नेबुलर थ्योरी है, इसमें जो कंसेप्ट है इसके पीछे, उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि जो हमारे सोलर सिस्टम है एंड उसकी बॉडीज जो है, जैसे कि सन है, अपने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो या गैसियस प्लैनेट्स हो, वो कैसे बने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ, इट बिगेन एज अ डस्ट एंड गैसेस, जो कि नेबुला जो होता है, आपको पता है कि नेबुला एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, राइट, इन द यूनिवर्स। एंड ये सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, ये बनी होती है हमारी जो गैस एंड डस्ट होती है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है, ठीक है, इवन सोलर सिस्टम से भी बड़ा, जो लगभग डायमीटर से भी बड़ा क्लाउड होते हैं ये। एंड दीज क्लाउड कंटेन्स वेरी डेंस गैसेस, ओके, एंड डस्ट एंड सम डिब्री, एंड व्हेन इट बिकम्स वेरी लार्ज, ओके, इट स्टार्ट्स टू ग्रेविटेशनली कोलैप्स, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ग्रेविटेशनली जो उसके बीच में जो सेंटर में रहता है पोर्शन, ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे ग्रेविटी ओवरकम करती है, नेबुला जो होता है, इट स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोटेटिंग डिस्क देखने को मिल रही है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से डिस्क शेप में आ गया है, और बीच में इंटेंस आपको एक्टिविटी देखने को मिल रही है जिसमें फ्यूजन वगैरह हो रहा है। नाउ बीच में काफी ज्यादा हीट हो रही है, ओके। नाउ यहां पे हमारा हीट की वजह से प्रोटोसन बन जाता है, ठीक है, प्रोटोसन, यानी कि एक आप कह सकते हो कि जो हमारा सन इन्फेंट वाली स्टेज में था, ओके, उसको हम प्रोटोसन कहते हैं। एंड उसके चारों तरफ जब ये डिस्क कूल हुआ, ठीक है, उसके चारों तरफ जो है गैस एंड डस्ट की रिंग्स बननी चालू हुई, और धीरे धीरे ये रिंग्स जो हैं आपस में एक्रीट करना इन्होंने चालू किया, यानी कि जुड़ना चालू किया, और हमारे प्लैनेट्स बने, ओके। सो कूलिंग ऑफ द नेबुलर क्लाउड कॉज रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल टू कंडेंस इन टू टाइनी पार्टिकल्स, एंड रिपीटेड कोलिजन्स कॉज द डस्ट साइज पार्टिकल टू ग्रेजुअली कोलेस इन टू अ एस्टोराइड साइज बॉडीज, और उसके बाद ये एस्टोराइड साइज बॉडीज जो हैं आपस में टकराई और बड़े प्लैनेट्स का रूप इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो ये है हमारी नेबुलर थ्योरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनके नाम और बेसिक्स जो है नेबुलर थ्योरी के, वो आपको समझना है इसमें, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द दिस नेबुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे जो रिंग्स थी वो प्लैनेट्स में तब्दील हो गई। तो जो हैवियर प्लैनेट्स थे वो हमारे इंटीरियर ऑफ सोलर सिस्टम में हैं, और जो
लैटर प्लैनेट्स हैं यानी कि जो गैसेस प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम के बाहर वाले पोर्शन में हैं। अच्छा, 1950 में ऑटो श्मिट एंड कार्ल वाइजेकर जो कि जर्मनी के थे एंड ऑटो श्मिट रशियन के थे, इन्होंने क्या किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज करके इसको गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस का नाम दे दिया। ठीक है, गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस किसने दिया, वाइजेकर एंड योर ऑटो स्मिथ। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि सन को ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट कर दिया कि सन वहां पहले से था, ऑलरेडी सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। ओके, द सन वाज ऑलरेडी देयर एंड देन द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला। ओके, तो ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है दोनों की थ्योरी में। यहाँ पे इन्होंने सन को ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा था, यहाँ पे हमारा सन नहीं था नेबुलर थ्योरी में। नेबुलर थ्योरी में सिर्फ हमारा नेबुला था जो कि गैस डस्ट का क्लाउड होता है हमारे यूनिवर्स में। ओके, फिर जो दूसरी थ्योरी आती है वो आती है प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस तो जो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस है वो 1900 में चेंबरलेन एंड मोल्टन ने दी थी। तो मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ पे नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, तो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस किसने दिया था, चेंबरलेन एंड मोल्टन ने। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें यह था कि सन ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, हमारे प्लैनेट बॉडीज नहीं थी उस समय, तो एक दूसरा स्टार आया और उस स्टार ने क्या किया, सन का कुछ मास यानी कि जो वो स्टार जो था वो सन के काफी क्लोज से निकला एंड ड्यू टू दैट स्टार्स ग्रेविटेशनल पुल अ ह्यूज चंक ऑफ सन्स मैटर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम सन्स बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, तो एक सिगार शेप्ड का एक्सटेंशन जो था वो सोलर सरफेस से रिमूव हुआ और उसी सिगार शेप की बॉडी से हमारे जो प्लैनेट्स थे वो बने। ओके, एंड स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स, तो इसको बोलते हैं हम प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ओके, तो ये कुछ हाइपोथेसिस थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बाकी एक गैसियल टाइडल हाइपोथेसिस होती है जो कि जॉन्स एंड जेफरीज ने दी थी। ओके, गैस डस्ट आपको पता है, मोल्टन एंड चेम्बरलिन, सॉरी ऑटो स्मिथ एंड वाइजेकर एंड प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मोल्टन एंड चेम्बरलिन एंड नेबुलर वाज कांट एंड लाप्लास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, नेबुलर हाइपोथेसिस है। फिर हाँ, हमारा आता है तो अब हुआ क्या कि 1900s तक जो थे साइंटिस्ट वो इंटरेस्टेड थे कि अर्थ कैसे बनी और कैसे इवॉल्व हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अर्थ को छोड़ के यूनिवर्स पे ध्यान देना शुरू किया। तो यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया था बजाय अर्थ कैसे बनी। सो फॉर यूनिवर्स देयर इज वन सिंगल थ्योरी जो कि है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है एक्चुअली मल्टीपल साइंटिस्ट ने दी थी। ओके, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो थे हमारे ई जॉर्ज लमैत्रे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है फॉर बिग बैंग। तो बिग बैंग आपको पता है कि इट इज द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथिसिस, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1920s में इसका एविडेंस भी प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि टेलीस्कोप से दूर की जो गैलेक्सीज हैं उनको देखा और पाया कि उनका जो कलर है वो रेड है, यानी कि रेड वेवलेंथ का है, यानी कि वो बहुत दूर है, ठीक है। तो ये पाया कि उन्होंने कि जो जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ओके। तो रेड शिफ्ट एक प्रोसेस होती है, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसकी वजह से उन्होंने एविडेंस क्रिएट किया, रेड शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि जो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सी वेवलेंथ हमें दिखाई देगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, रेड वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो रेड वेवलेंथ दिख रही है यानी कि वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि हमसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिग बैंग का मैप है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी थी और एकदम से एक्सप्लोजन हुआ उस सिंगुलैरिटी का और पूरा यूनिवर्स जो है एग्जिस्टेंस में आया, ओके। तो दिस इज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो था वो बिग बैंग हमारा हुआ, ओके। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलैरिटी, या सिंगुलर एटम। फिर क्या हुआ, ये टाइनी बॉल जो थी सिंगुलर एटम की वो एक्सप्लोड की, ओके, अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो और 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, एंड उसके बाद हमारा यूनिवर्स जनरेट हुआ, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सल जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, लाइट ईयर का यूज करते हैं। लाइट ईयर क्या होती है कि एक साल में अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, लगभग 3 लाख किमी पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये जो एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बीम ऑफ लाइट, या एक फोटोन जो है एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो लगभग 9.461 × 10^12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक बिलियन ईयर्स में, ठीक है। वैसे अगर हम सन से देखें तो सन से हमारी अर्थ पे के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम अगर लाइट में नापेंगे तो लगभग 8.3 लाइट मिनट होगा, ठीक है। यानी कि 8.3 मिनट में सन की लाइट जो है पृथ्वी पे पहुंचती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मिनट्स। तो आप देख सकते हो कि एक साल में डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, यानी कि सन से पृथ्वी का डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा, ओके, लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 7 to 8 टाइम्स मोर, ओके। एंड जो सन से पृथ्वी का डिस्टेंस है, यानी कि सन से अर्थ का डिस्टेंस है लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के आसपास है, सॉरी 150 मिलियन ईयर्स मिलियन किलोमीटर के आसपास है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, वन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। लेट मी जस्ट ब्रिंग द फ्रेश पेज हियर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके। तो आप देख सकते हो यहां पे एग्जैक्ट जो है लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी बिग बैंग की। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है, और बिग बैंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सोलर सिस्टम
जो है वो आपको पता है कि एट प्लैनेट से मिलके बना है, राइट। एंड सोलर सिस्टम का जो जन्म है वो लगभग 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स पहले ये स्टार्ट हो गया था बनना। एंड द अर्थ ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अबाउट। नाउ करंटली आवर अर्थ सॉरी आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट 63 मून्स और 63-64 मून्स, क्योंकि मून्स जो है जैसे जुपिटर है या आपका सैटर्न है, इनके मून्स जो है वो मिलते रहते हैं। ओके, तो ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है मून्स की। साथ ही साथ एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स ये भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स हमारा जो वर्क मरकरी है, वीनस है एंड अर्थ एंड मार्स, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स, और इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ओके, एंड जो बाकी के प्लैनेट हैं, यानी कि जो हमारा जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनको हम आउटर प्लैनेट्स या इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और वी कॉल देम जोवियन प्लैनेट्स। ओके, तो गैसियस प्लैनेट्स आपको पता ही है कि जे गैस से बने हैं सारे, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम गैसियस प्लैनेट्स। ओके, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है दे आर सिमिलर टू अर्थ, ओके, इन द सेंस दैट दे आर डेंस, राइट, एंड दे हैव हार्ड सरफेस। जैसे कि अर्थ है, अर्थ का सरफेस हार्ड है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग ऑन दैट सरफेस। लेकिन अगर आप जुपिटर पे जाओगे तो जुपिटर का जो सरफेस है इट्स मेड अप ऑफ गैस, तो अगर आप उस पे जाओगे तो आप उसके सेंटर में ही गिरते चले जाओगे, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी हार्ड लेयर। तो जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, ओके, हार्ड एलिमेंट्स, एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। बाकी जो रेस्ट गैसेस प्लैनेट्स हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, एंड जोवियन का मतलब क्या होता है, जुपिटर, ठीक है। तो जोवियन ट्रांसलेट होता है जुपिटर में, एंड जुपिटर लाइक इनको कह सकते हो आप, ओके, बिकॉज जुपिटर इज अ गैसेस इन नेचर एंड दैट्स वाई वी हैव गैस प्लैनेट्स, दैट्स वाई गैस प्लैनेट्स आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, बिकॉज दे आर सिमिलर टू जुपिटर। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स? इट्स प्रेटी सिंपल। The terrestrial planets, as you know, are closer to the sun and hence they were formed in the close vicinity of the parent star, where it was too warm for gases to condense. Okay, so that's why our gas planets are farther away from the sun, because अगर close होते तो close अगर सन के होते तो गैस जो है विल इवेपोरेट अवे, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू कंडेंस इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, एंड हेंस इट वाज मच बेटर फॉर देम टू मूव फर्दर अवे एंड देन कंडेंस इनटू गैस जायंट्स। ओके, सेकंड इज द सोलर विंड वाज इंटेंस, ओके, नियर द सन, एंड इफ सोलर विंड इज इंटेंस, आपको पता है कि सोलर विंड कितनी हार्मफुल होती है फॉर जो एटमोसफेयर होता है, इवन एटमोसफेयर की गैसेज जो होती हैं उनके लिए भी सोलर विंड हार्मफुल होती हैं। मार्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, मार्स में जो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मार्स का, एंड दैट्स वाई एंड ड्यू टू नो मैग्नेटिक फील्ड इट्स एटमोसफेयर वॉज ब्लोन अवे बाय द सोलर विंड। और क्योंकि हमारे जो अर्थ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलर विंड को रोक देता है, या सोलर विंड को एटमोसफियर को उड़ा ले जाने से रोकता है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव एटमोस्फेयर. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इफ नो मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड वुड हैव ब्लोन अवे अवर एटमोस्फेयर. ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे. अगर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट जानना है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है जियोमैंड, वहां पे आप इस मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट को देख सकते हो. मैंने उसमें दो वीडियोस बनाई हैं. ओके, सो मूविंग ऑन, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड द लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस. तो हमारा जो प्लैनेट्स हैं उसमें आप कह सकते हो कि ज्यादा गैसेस क्यों नहीं हैं जुपिटर जैसे या सैटर्न जैसे, बिकॉज आवर आवर प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द बिगर जुपिटर और सैटर्न और इवन यूरेनस, दे आर वेरी बिग प्लैनेट्स. ओके, सो दे हैव हाई ग्रेविटी एंड हेंस दे कैन होल्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज. ओके, सो हियर इज टेबल फॉर सोलर सिस्टम एंड इट्स 8 प्लैनेट्स. नाउ यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि डेंसिटी. ओके, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? हमारी अर्थ की है, 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो है वो आपकी सैटर्न की है. तो ये जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो सैटर्न इज एक्चुअली लेस डेंसर देन वाटर इटसेल्फ. ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सैटर्न की डेंसिटी 0.7 है. आपको पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है? लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो उसका वेट होता है 1 ग्राम होता है. ऑलराइट, तो सैटर्न जो है वाटर से भी कम है, यानी कि अगर आप सैटर्न के सरफेस पे जाओगे तो आप सीधा वाटर से भी जल्दी उसके सरफेस में डूब जाओगे. लेकिन जुपिटर की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, 1.13 के आसपास है, फिर भी आप सिंक जरूर करोगे. सैटेलाइट्स की बात करें तो जुपिटर और सैटर्न की लगभग सेम सैटेलाइट है. आई थिंक जुपिटर के सैटेलाइट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये चेंज होती रहती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, नहीं रखना है. ठीक है, फैक्चुअल चीजें ध्यान में रखनी है. बट सिंस दीज टू हैव वेरिंग सैटेलाइट नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये नई नई सैटेलाइट्स खोजी जाती हैं बार बार, तो इन दोनों की सैटेलाइट्स के नंबर आपको याद नहीं रखने हैं. हालांकि आपको नाम जरूर याद रखने हैं. तो अभी हम आगे देखेंगे इनके सैटेलाइट्स, जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जुपिटर और सैटर्न की, उनके बारे में, उनके जो नाम हैं वो हम देखेंगे. लेकिन आपको पता है मार्स की दो सैटेलाइट्स होती हैं, जबकि है फोबोस एंड डीमोस. अर्थ की मून है, बाकी मरकरी वीनस की सैटेलाइट नहीं है. ओके, तो यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम का आपको मैप दिख रहा है. हियर यू कैन सी आवर इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, राइट, एंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर यू हैव एस्ट्रॉइड बेल्ट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किन किन प्लैनेट्स के बीच में है, जुपिटर और मार्स के बीच में है. और यहाँ पे एक सीरीज नाम से एस्ट्रॉइड है जो कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है. ठीक है, फिर उसके बाद आपके चार जो ये प्लैनेट्स आते हैं गैसेस प्लैनेट्स हैं. एंड देन इन द आउटर बेल्ट वी हैव काइपर बेल्ट. ओके, तो इसको हम बोलते हैं काइपर बेल्ट. तो एस्ट्रॉइड बेल्ट और काइपर बेल्ट आपको ध्यान में रखना है. डो नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन काइपर एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट. ऑलराइट, और यहाँ पे हमारा जो प्लूटो है, तो प्लूटो बेचारा पहले प्लैनेट था, लेकिन अब इसको प्लैनेट का दर्जा नहीं दे रखा है. ठीक है, तो क्यों नहीं दे रखा है उसको भी हम पढ़ेंगे आगे. यहाँ पे प्लूटो है, प्लूटो का जो मून है उसको हम बोलते हैं चारोन. ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है एरिस. प्लूटो भी अब क्या हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं बौना प्लैनेट. ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा है मेक. तो ये बात रही हमारी सोलर सिस्टम की. अब हम बात करते हैं स्टार की, स्टार जो है वो कैसे बनता है. तो सीधा हम यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फेज होता है टी टॉरी. तो स्टार आपको पता है कि क्या होता है, गैस के बॉल्स होती हैं,
ठीक है, रेड हॉट गैस रहती है, उनकी बॉल्स जो होती है। तो सबसे पहले नेबुला रहता है, नेबुला से बीच में एक फ्यूजन होता है, फ्यूजन क्रिएट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हमारा स्मॉल स्टार बनता है। एंड देन इस स्मॉल स्टार को क्या बोलते हैं हम, मिड सीक्वेंस स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये काफी साल तक बर्न होता है, अपनी जो हीलियम रहती है उसको बर्न करता है, हाइड्रोजन हीलियम को। जैसे कि एग्जांपल में हमारा जो सन है उसको हम मिड सीक्वेंस स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जब ये फ्यूल जो है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स के आसपास इसका फ्यूल जो है फ्यूचर में खत्म हो जाएगा हमारे सन का, तो वो क्या बन जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा। ठीक है, रेड जायंट के बाद अगर कोई स्टार है उसका जो मास है लगभग 5 टाइम्स सन के मास के बराबर है, ठीक है, यानी कि सन से लगभग 5 गुना बड़ा जो है, तो वो स्टार जो होगा सुपरनोवा एक फिनोमेना होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, उसमें ये फट जाएगा। ठीक है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड आउटर लेयर्स विल बी इजेक्टेड इनटू वास्टनेस ऑफ स्पेस, और उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ हमारा बच जाएगा। लेकिन अगर इसका मास जो है इवन ग्रेटर होगा तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सुपरनोवा का आपको फोटो दिख रहा है। ओके, एंड इफ द मास इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर द ग्रेविटी विल बी सो स्ट्रॉन्ग दैट द न्यूट्रॉन स्टार विल श्रिंक फर्दर टू बिकम अ ब्लैक होल। तो यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, अगर स्मॉल स्टार है यानी कि सन का जैसा स्टार है तो वो सीधा व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अगर सन से 5 गुना बड़ा है तो वो इस फेज से गुजरेगा, यानी कि लार्ज स्टार, रेड सुपर जायंट, सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद अगर मास जो है ज्यादा नहीं है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम पल्सार भी बोलते हैं, राइट। एंड इफ मास इज ग्रेटर तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नाउ इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन पर्सनली आस्क मी ऑन द नंबर 9897554782। ओके, तो जो यंग फेज होता है स्टार का जब वो बन रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं टी टॉरी फेज। ठीक है, विच इज व्हेन स्टार इज लेस देन 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार आते हैं जिसको हम बोलते हैं जैसे सन। ठीक है, तो 90% जो यूनिवर्स में स्टार हैं वो मेन सीक्वेंस स्टार हैं। उसके बाद रेड ड्वार्फ। ओके, तो जो हमारा सबसे नजदीक स्टार है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचौरी। ठीक है, इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन जो कि एक रेड ड्वार्फ है। ओके, किस तरीके का स्टार है, रेड ड्वार्फ। So here you can see the age or you can say the life sequence of a star, general star, fetus, यानी कि protostar, फिर fusion ignition से main sequence star। तो sun अभी इस phase से गुजर रहा है यानी कि adulthood phase से गुजर रहा है, तो अभी हमारे पास काफी time है। ठीक है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग 5 billion years के आसपास ये red giant बन जाएगा और उसके बाद white dwarf बन जाएगा। ठीक है, अब जो सन है, सन ब्लैक होल नहीं बन पाएगा बिकॉज सन के पास उतना मास नहीं है, लेकिन इफ इट हैज मास ग्रेटर देन 5 टाइम्स दैट ऑफ अ सन इट कैन बिकम अ ब्लैक होल। ओके, तो ये बात रही स्टार की। अब हम बात करते हैं सन की, सन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सन आपको पता है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स के आसपास इसकी एज है, लगभग उसी टाइम पे ये बना था जिस टाइम पे हमारी अर्थ बनी थी, लगभग उसे आप कह सकते हो कि प्लस माइनस 500 से 600 मिलियन ईयर्स ओल्डर। ओके, टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है इसके सरफेस पे, आपको ध्यान में रखना है, एंड 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन द कोर। डेंसिटी इसकी लगभग 1.41 टाइम्स दैट ऑफ वाटर है, राइट। ओके,
और जो सरफेस ग्रेविटी है सन की लगभग 28 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 28 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो 25 डेज का है, यानी कि अपनी धुरी पे जो घूमता है ये 25 दिन लगाता है। इसके स्पीड ऑफ रोटेशन कुछ आपको ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन अर्थ की वेलोसिटी जो है आपको ध्यान में रखना है कि 1675 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी किसकी, अर्थ की, 1675 किमी पर आवर। ओके, सन में जो 98% कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम है। ओके, नाउ अगर हम टोटल जो सोलर सिस्टम है उसका मास देखें तो उसमें लगभग 98% जो या 99% जो मास है वो सन सन का है, ठीक है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ 2% है पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे सन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमारा कोर हो गया है, ठीक है, सन का। फिर यहाँ बीच में कन्वेक्टिव जोन होता है एंड जो इसका सरफेस है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फोटोस्फेयर एंड कोरोना। नाउ कोरोना इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर सन्स एटमोस्फेयर, ठीक है, एंड कुछ यहाँ पे ब्लैक पोर्शन, अगर आप सन की फोटो देखोगे तो इसमें कहीं कहीं पे काले काले धब्बे रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सन स्पॉट। और ये काले जो धब्बे रहते हैं या सन स्पॉट जो रहते हैं ये होते हैं मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण, क्योंकि सन में भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है, और जब ये फील्ड इंटेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वहां पे सन के सरफेस पे काले धब्बे यानी कि सन स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो काला पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, एंड जो थोड़ा लाइटर पोर्शन रहता है, लाइट डार्कर पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। ओके, तो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर इसका सरफेस वाला पार्ट है, क्रोमोस्फेयर थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। ओके, तो फोटोस्फेयर इज द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन दैट एमिट्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, और फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, एंड जो क्रोमोस्फेयर होता है वो इट इज जस्ट अबव द फोटोस्फेयर। ओके, एंड इट इज रिलेटिवली थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेस, लेकिन जो क्रोमोस्फेयर होता है इट इज बिट कूलर, ठीक है, लगभग 4320 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है, राइट, तो आपको ध्यान रखना कि फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रोमोस्फेयर। ऑलराइट, नाउ जो सन स्पॉट होता है वो डार्क पैच होता है सरफेस ऑफ सन पे, ठीक है, एंड दे आर जनरली कूलर, ठीक है, तो सराउंडिंग क्रोमोस्फेयर से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये कूल होते हैं, तो अगर हम देखें तो सबसे सबसे जो हायर टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है वैसे कोरोना का, ठीक है, कोरोना के बाद हमारा फोटोस्फेयर, देन वी हैव अवर क्रोमोस्फेयर एंड देन योर सन स्पॉट, तो सन स्पॉट काफी कूल होते हैं। सन स्पॉट की एक इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि ये माइट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑन द अर्थ, तो आपने कभी मिलांकोविच साइकिल देखी होंगी, सुनी होंगी, या जो आपने इसका भी सुना होगा जो क्लाइमेट होता है वो सन से कैसे इफेक्ट होता है अर्थ का, तो उसमें सन स्पॉट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हमारी सोलर विंड होती है, तो सोलर विंड जो होती है वो एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स की एक तरीके से स्ट्रीम होता है
इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की स्ट्रीम होती है जो डायरेक्ट सन से निकलती हैं। ठीक है, और जब ये सोलर विंड हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो आपको पता है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल्स पे सबसे स्ट्रांग रहता है, एंड जब ये टकराती हैं तो पोल्स की तरफ ये जो सोलर विंड है शिफ्ट हो जाती है, एंड फिर हमें जब रिएक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड और इन चार्ज पार्टिकल्स का तो हमें फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑरोरा। ठीक है, तो ऑरोरा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड से सोलर विंड टकराती हैं। तो नॉर्थ पोल में हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस एंड साउथ पोल में हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ओके, इस फिनोमेना को, एंड दस ऑरोरा अस आर कॉज्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स मेनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अबव कॉजिंग आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो ये सोलर विंड जो है, जब ये हमारी ये सोलर विंड आपको दिख रही है राइट, जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगी तो हमें यहाँ पे पोल्स पे ये ऑरोरा फिनोमेना देखने को मिलता है। ओके, तो नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस एंड इन सदर्न पोल वी हैव सदर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। फिर कोरोना जो होता है, कोरोना जो आपका सबसे बाहर का पोर्शन रहता है ठीक है सन के, उसको बोलते हैं, तो कोरोना इज द डिस्टिंक्टिव एटमोसफेयर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड्स द सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो सन का कोरोना होता है वो लगभग मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, लगभग लाखों किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, और काफी हॉट होता है, लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी टेम्परेचर रहता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है, यानी कि जब चांद जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो ये जो बाहर जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है व्हाइट सा, इसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो सन्स कोरोना इज विजिबल ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। तो सबसे ऊपर क्या होगा, कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर। ओके, अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स में सबसे पहले जो प्लैनेट आता है मरकरी आएगा। अर्थ की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि उसमें हमें पूरा अर्थ के बारे में जानना है, जैसे कि क्रस्ट वगैरह इंटीरियर वगैरह हम देखेंगे। तो आज हम सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके टेरेस्ट्रियल एंड आपके गैसेस प्लैनेट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी आपको पता है सबसे नजदीक है, एंड इसमें कुछ ज्यादा याद करने को नहीं है, इट इज लेस ब्राइटर देन द वीनस, ये आपको ध्यान में रखना है। इवन इट इज क्लोजर देन द इट इवन इट इज क्लोजर टू द सन देन वीनस, बट वीनस इज स्टिल ब्राइटर। ओके, तो टेम्परेचर वेरिएशंस मरकरी में काफी एक्सट्रीम्स रहती हैं, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी एटमोस्फेयर। तो रात में जब सन नहीं होता है तो टेम्परेचर लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, एंड हाईएस्ट 427 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, वी हैव वीनस। ठीक है, तो वीनस आपका ध्यान में रखना है कि इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हाईएस्ट इसका एल्बिडो है, एल्बिडो यानी कि रिफ्लेक्टिविटी। ओके, ब्राइटेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसका एल्बिडो जो है काफी हाई है। एल्बिडो आपको पता हो क्या होता है, जो सन की रेज जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो कितने अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है, वीनस का है, ड्यू टू हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड दैट कवर्स इट एटमोसफेयर। तो इसके एटमोसफेयर में जो हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी वजह से सन की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्टिविटी को हम बोलते हैं एल्बिडो। वीनस को
क्या बोलते हैं हम, सिस्टर प्लैनेट भी को बोलते हैं, अर्थ का सिस्टर प्लैनेट या अर्थ का ट्विन वीनस को बोलते हैं, बिकॉज इट इज सिमिलर इन शेप एंड साइज टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका साइज, मास, प्रॉक्सिमिटी टू द सन और बल्क कंपोजिशन भी देखें तो लगभग सेम है। ओके, लेकिन इसमें जो है 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफी ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर बना देती है वीनस में, एंड ड्यू टू दैट डेंस एटमॉस्फेयर इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर भी है लगभग 92 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, एंड ड्यू टू दैट इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर्स। ओके, क्योंकि इसका जो वीनस है, वीनस के ऊपर जो इसका एटमोसफियर है वो काफी थिक है, एंड ड्यू टू दैट हीट कैनॉट एस्केप एस्केप एंड हीट इफ हीट डजेंट एस्केप देर विल बी रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, एंड ड्यू टू दैट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, इवन दो मर्करी इज क्लोजर टू द सन देन वीनस, बट ड्यू टू दैट थिक एटमोसफेयर इट इज हॉटर देन द मर्करी इटसेल्फ, राइट। तो दिस इज, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस इज बिकॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड थिक एटमोसफेयर। एक आपको बात ध्यान में रखनी है, जो वीनस का जो मोशन है, ठीक है, ऑर्बिट करने का, वो है रेट्रोग्रेड मोशन। ठीक है, तो हमारा वीनस एंड यूरेनस हैव रेट्रोग्रेड मोशन। अब रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है, एंड बाकी सब जो प्लैनेट्स का मोशन है वो हमारा प्रोग्रेड मोशन है। ठीक है, तो मैं आप समझाता हूँ कि रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड मोशन क्या होता है। तो सपोज ये हमारा सेंटर, ये सपोज ये हमारा सन है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज अवर अर्थ, राइट। नाउ दिस अर्थ इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, ईस्ट टू वेस्ट, और इसका जो पाथ है ऑर्बिट का वो भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, सॉरी, कुछ ऐसे है, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेड मोशन, क्योंकि इसका जो रोटेशन है और इसका जो ऑर्बिट है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि क्लॉकवाइज है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ दो प्लैनेट ऐसे हैं, यानी कि वीनस जो है, वीनस उल्टा घूमता है, ठीक है, बैकवर्ड घूमता है, जबकि उसका जो ऑर्बिट का डायरेक्शन है वो सेम है, बट इट इज रोटेटिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, उल्टा घूम रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिट्रोग्रेड मोशन। ठीक है, तो यहां पे जो डेफिनेशन है प्रोग्रेड वर्सेस रिट्रोग्रेड की, वो ये दे रखी है कि द डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट स्पिन्स इन रिलेशन टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। प्रोग्रेड रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट के डायरेक्शन में ये अगर स्पिन कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे प्रोग्रेड मोशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अर्थ दिखा रखा है, अर्थ इस, ठीक है, इधर की तरफ रोटेट कर रही है, सॉरी, ऑर्बिट कर रही है, एंड रोटेशन भी इन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ। वही अगर वीनस होता तो वीनस ठीक इसके उल्टा रोटेट करेगा, इवन दो इट्स ऑर्बिट का डायरेक्शन ये है लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन इसके ठीक उल्टा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड। तो कौन कौन है, वीनस एंड यूरेनस। हम आते हैं मार्स पे, तो मार्स काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, एंड नासा ने अभी इस पे अपना सबसे बड़ा रोवर भेजा है जिसको हम बोलते हैं परसीवेरेंस। ठीक है, अभी तक का सबसे हैवी रोवर मार्स में भेजा है, अब ये पता लगाने के लिए कि क्या मार्स में पहले लाइफ प्रेजेंट थी या नहीं। ठीक है, एंड जिसका रेड प्लैनेट
नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है इसके, रेडिश कलर की वजह से। एंड रेडिश कलर कहाँ से आया मार्स का? ड्यू टू रेडिश आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्रिवेलेंट ऑन दी सरफेस। साथ ही साथ मार्स का जो है सबसे बड़ा वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो पूरे सोलर सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं ओलंपस मॉन्स, ठीक है। इट्स द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम, लगभग 24 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो आप कंपेयर कर सकते हो माउंट एवरेस्ट लगभग 8,488 किलोमीटर के आस सॉरी मीटर के आसपास है ना, यानी कि 8 किलोमीटर के आसपास उसकी हाइट है। लेकिन जो ओलंपस मॉन्स है मार्स पे, वो 24 किलोमीटर इसकी हाइट है, लगभग 3 टाइम्स, ठीक है। एंड वैलिस मैरिनरिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनियन इन द सोलर सिस्टम। साथ ही साथ मार्स के दो मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस, ओके। मार्स जो है इज लेस डेंस देन द अर्थ, ओके। मार्स का जो मैग्नेटोस्फेयर है, जो मैं बता रहा था पहले, इट इज लॉस्ट इट्स मैग्नेटोस्फेयर, यानी कि इसका मैग्नेटोस्फेयर है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं है इसमें। एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो एटमोस्फेयर है वो भी बहुत थिन है, ठीक है, क्योंकि सोलर विंड सारा एटमोस्फेयर उड़ा ले गई है। तो द एटमोस्फेयर ऑफ मार्स कंसिस्ट मेनली अबाउट 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% आर्गन एंड 1.989% नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप पॉज करके इनको नोट कर सकते हो। हम सीधे आते हैं आउटर प्लैनेट्स पे। तो आउटर प्लैनेट्स यानी कि जैसे जोवियन प्लैनेट्स, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो आता है, ठीक है। इनको हम गैस जायंट्स भी बोलते हैं। एंड दे कलेक्टिवली मेक्स अप 99% ऑफ द मास नोन टू ऑर्बिट द सन, यानी कि इनका मास जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से भी ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो जनरली जो आउटरमोस्ट प्लैनेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, एंड दे लैक अ सॉलिड सरफेस। जैसे कि मैं बता रहा था पहले, उनमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है। देयर मून्स आर हाउएवर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। उनके जो मून्स हैं, जैसे कि गैनीमेड है, आपका कैलिस्टो है, आयो है, ये सब सॉलिड सरफेस के हैं, ठीक है। ऑल फोर गैस जायंट्स हैव रिंग्स, ठीक है। लेकिन जनरली जो सैटर्न का रिंग सिस्टम है वो काफी प्रोमिनेंट है और दूर से ही दिख जाता है, लेकिन इवन जुपिटर के जो है रिंग, इवन जुपिटर के पास भी रिंग है आपका, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो नेपच्यून है, नेपच्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड, लगभग 2,000 किलोमीटर पर आवर के साथ इनकी स्पीड है विंड की, एंड सैटर्न की लगभग 1,800 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे हाईएस्ट जो विंड स्पीड है वो कहाँ है, नेपच्यून में है। जुपिटर की बात करें, इट इज कंपोज मोस्टली ऑफ गैस एंड लिक्विड स्वर्लिंग इन द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। तो इसका जो सॉलिड सरफेस नहीं है बिल्कुल भी, और जो इसके मून्स हैं वो कौन कौन से हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम में, ओके। इट इज लार्जर देन द मर्करी इटसेल्फ। इसके बाद ये क्या है, थर्ड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, आफ्टर मून एंड वीनस। द लेटेस्ट प्रोब टू विजिट जुपिटर इज जूनो, जो कि नासा ने भेजा है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जिसकी टाइटन जो है, इट इज मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, ओके। इट इज आल्सो लार्जर देन मरकरी। साथ ही साथ इसके जो रिंग्स हैं वो प्रॉबली आइस एंड आइस कवर्ड पार्टिकल से या रॉक से मिलके बने हुए हैं। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस आपको पता है कि काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि इसका रेट्रोग्रेड मोशन है, ठीक है।
और जनरली यूरेनस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल इसका एक्सिस रहता है, ठीक है। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, ट्विन्स ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना है कि इसकी जो विंड्स हैं 2100 किलोमीटर के आसपास हैं पर आवर के स्पीड, जो है इसकी विंड की स्पीड सबसे हाईस्ट है। फिर सीरस जो आता है वो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, ठीक है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। फिर हमारे प्लूटो एंड चारोन, तो प्लूटो आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो गया और चारोन इसका मून है प्लूटो का, और ये काइपर बेल्ट में सिचुएटेड है। तो 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया गया था, अब प्लैनेट से बाहर कर दिया गया था प्लैनेट की डेफिनेशन से। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यूनियंस डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कि सन को ऑर्बिट करता है, साथ ही साथ उसके एक सफिशियंट मास भी होता है अपना, ठीक है, और मास उतना होना चाहिए कि एक हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम बना पाए, यानी कि उसका जो शेप है वो लगभग नियरली राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है, उस बॉडी का। साथ ही साथ वो बॉडी जो है वो किसी प्लैनेट की सैटेलाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो मून नहीं होना चाहिए किसी प्लैनेट का, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट हैज रिमूव्ड डिब्री एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट, यानी कि अपने ऑर्बिट के पाथ में जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं या छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको इसने रिमूव किया हुआ हो, तभी ये प्लैनेट कह पाएगा। लेकिन प्लूटो ने जो है इन सब को तो सफिशेंट तरीके से कंप्लीट कर दिया, इन सब जो पॉइंट्स हैं, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है इसने अपने डिब्री को रिमूव नहीं किया था, तो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट बीन कॉल्ड अ प्लैनेट। सो ड्वार्फ प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मीट्स प्लैनेटरी क्राइटेरिया एक्सेप्ट दैट इट हैज नॉट क्लियर डिब्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल नेबरहुड, ओके। तो ये सब जैसे कि सीरिस है आपका, एरिस है, प्लूटो है, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट है। तो प्लूटो वॉज वोटेड बाई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉरी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, जस्ट लाइक सीरीज जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में है एंड एरिस जो कि कोइपर बेल्ट में है, ओके। तो फिर हम कॉमेट पे आ जाते हैं। कॉमेट आपको पता है आईसी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। इसका जो ऑर्बिट होता है वो हाईली इलेप्टिकल होता है, ठीक है, हाईली इलेप्टिकल होता है। तो हेलीज कॉमेट आपको पता है 76 ईयर्स इसका ऑर्बिट है, टाइम है। फिर आपका मीटेराइड, मीटियोर्स वगैरह आते हैं जो कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, सॉलिड डिब्री रहती है जो अर्थ में फॉल करती रहती है। अगर ये मीटेराइड जो है पूरा बर्न नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट, ओके। और अगर ये बर्न हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मीटियोर, अगर एटमोसफेयर में ही बर्न हो जाता है उसको हम बोलते हैं मीटियोर या शूटिंग स्टार। अगर ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, पृथ्वी के सरफेस पे गिर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट, ओके। तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो मीटियोर क्रेटर है ये एरिजोना में है, इसका नाम बेरिंगर क्रेटर है, ओके। साथ ही साथ इंडिया में भी कुछ मीटियोराइट क्रेटर्स हैं, जैसे कि लोनार लेक है, धाला लेक, धाला क्रेटर है एंड रामगढ़ क्रेटर है। तो लोनार लेक आपको पता है बुधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में काफी फेमस लेक है, धाला क्रेटर आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है एंड रामगढ़ क्रेटर आपका कोटा राजस्थान में है। साथ ही साथ एक क्रेटर और भी है जिसको हम बोलते हैं चिक्स क्लब क्रेटर, ठीक है, ये 65 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर्स की डेथ हुई थी तो चिक्स क्लब नाम का एक मीटेराइड, ठीक है,
टकराया था पृथ्वी से, लेकिन चिक्स क्लब क्रेटर जो है ये अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में छिप चुका है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा चार्ट है मून्स ऑफ सोलर सिस्टम का, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे जुपिटर के मून है कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा एंड आयो, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएस में, यूपीएससी में काफी अच्छे ज्यादा चांस हैं कि इनसे क्वेश्चंस बने। तो मार्स में फोबोस एंड डाइमोस दो आपके मून्स हैं, अर्थ का आपको पता ही है मून, सैटर्न का टाइटन सबसे बड़ा मून है, आयोपेटस, हाइपेरियन, ठीक है, रिया, डियोन, टिथियस, एनक्लेडियस एंड माइमास। ठीक है, वैसे यूरेनस का टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रियल, एरियल, ये आपको ध्यान में रखना है, एरियल, अम्ब्रियल। नेपच्यून का ट्रिटन है, ठीक है, तो ट्रिटन एंड टाइटन में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, एंड प्लूटो का चारोन। ओके, फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करें तो फिर जॉर्जी का टाइम स्केल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जॉर्जी में पढ़ा ही होगा कि बिग बैंग 13.8 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद लगभग 4.8 मिलियन ईयर बिलियन ईयर्स के आसपास हमारा एटमोसफेयर, सॉरी सन का ओरिजिन हुआ। ठीक है, उसके बाद एटमोसफेयर बना, अर्थ बना, फिर एटमोसफेयर बना, फिर ओशंस बने, फिर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म थी वो आई, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, फिर लगभग प्रोटोजोइक, न्यू प्रोटोजोइक में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आए। ठीक है, फिर इनवर्टिब्रेट, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, फिर फर्स्ट फिश आपकी ओडोविशन में आई, डिवोनियन में फिश का जो है डाइवर्सिफिकेशन हुआ, सिलूरियन में पहले प्लांट आए। ठीक है, डिवोनियन में एम्फीबियंस आए, कार्बोनिफरस में वर्टिब्रेट्स, कोरल बेड्स। ठीक है, परमियन में रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया। ठीक है, ट्रायसिक में फ्रॉक्स एंड टर्टल्स, जुरासिक में डायनासोर्स, ठीक है, मैमल्स भी ट्रायसिक्स में आ गए थे। ऐसे ऐसे करके हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर फीडबैक देना तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 82। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड